हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेबफ्लिक्स प्रो पे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ इंदौर में डांस इंदौर डांस में। डांस इंदौर डांस एक डांस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डांस सिखाए जाते हैं। इंदौर में इसका काफ़ी नाम है और इसके जो ऑनर हैं डांसर और मशहूर कोरियोग्राफर विजय अपोलिया। विजय जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका DID डांस इंदौर डांस, इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उसको जीरो से लेके आज आप यहाँ तक जो लेकर आए हैं, इसके पीछे क्या कहानी रही, कैसे आप कहाँ से मोटिवेट हुए, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। लाइफ ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी लाइफ, तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि डांसर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सो उनका भी था कि हाँ ये भी कुछ पढ़ लिख के सो गवर्नमेंट ऑफिसर या कुछ ऐसा जॉब वॉब करे। बट जैसे कि बोलते ना, हर घर में इंडिया में सचिन तेंदुलकर पैदा होता है, तो मैं भी वैसे ही था कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो क्रिकेट का बहुत शौक था, तो क्रिकेट काफ़ी खेला, पर कोई गाइड करने वाला नहीं था कि यार आपको इस वे में जाना है जी। तो मैं गली का सचिन तेंदुलकर तो बन गया, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो सचिन बनने के लिए आपको एक्चुअल क्लब में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको कपड़े चाहिए, आपको टेक्निक चाहिए, सब मुझे नहीं पता था। बट जब मुझे पता पड़ा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उसी बीच में हमारे यहाँ पर मोहल्ले के अंदर जैसे डांस कंपटीशन होते हैं, तो ऐसे गणपति में एक कॉम्पिटिशन हुआ, तो मैंने वहाँ उन लोगों को देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं भी घर जाके कुछ ना कुछ करने लगा, कोशिश करने लगा, बट नहीं हुआ मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये क्लास वाले कहीं मिल जाए ना, तो अपन जाके सीखेंगे। तो ऐसे एक दिन मैं क्रिकेट खेल के मेरे जो सीनियर थे उनका बैग उठा के मैं जा रहा था उनको छोड़ने का, तो रास्ते में मुझे वो क्लास दिखी। सो मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने उन लोगों को ज्वाइन किया, पैसे थे ही नहीं, तो उस समय आई थिंक 50 रुपये फ़ीस हुआ करती थी। तो मैंने सोचा कि यार 50 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है अपने लिए, पॉसिबल नहीं है, घर से पॉकेट मनी मिलती थी 1-2 रुपये। तो मैंने एक प्लान किया कि मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया वापस से, जो टेनिस बॉल होता है हम लोगों ने वहाँ मैचेस खेले 2-2, 3-3 रुपये करके। ऐसे करके मैंने 6 महीने तक पैसा इकट्ठा किया, फिर मेरे पास फिर भी 50 रुपये इकट्ठे नहीं हुए, 30-35 रुपये वो पैसे लेके मैं वो सर के पास पहुँचा। तो सर ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं आओ आप। सो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जहाँ मैं सिखाने जाता था वहीं सिखाने लगा मैं, मतलब वो डांस ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे जैसे पूरा लाइफ चलती रही, नए नए चैलेंज आते रहे लाइफ में, फिर कुछ घर की प्रॉब्लम सामने आई तो मुझे डांस को भी छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कुछ जॉब ज्वाइन करी, पर जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ ऐसा घुटन सी होती थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ना मैंने पढ़ाई ढंग से करी, ना मैं क्रिकेट खेल पाया। आज मैं जो एक दिल में शौक था डांस का, वो भी अंदर ही दबा रह गया। तो जब भी मैं जॉब करता था वहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी डांस वांस करने लगता था। फिर फाइनली मैंने जॉब छोड़ी, फिर एक वापस से किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने वहाँ सिखाया, तो वहाँ से मुझे सब लोग अप्रिशिएट करने लगे, यार तू बहुत अच्छा करता है यार, लुक वाइज भी गुड है। सो मेरे को मोटिवेशन मिला। बट पहले म्यूज़िक नहीं होता था हमारे पास, कैसेट्स पे काम होते थे, इंटरनेट नहीं था कि आप कहीं से सीख सको, तो जो भी करना था हमें ही करना था। तो ना वुडन फ्लोर होता था, मिरर नहीं होते थे, नॉर्मल आप किसी भी प्लेस पे चले गए जहाँ ऐसे ही प्लेस है उस पर आप डांस कर रहे हो, आपके पास जूते भी नहीं हो, कपड़े भी वैसे नहीं थे, फिर भी हम लोग स्ट्रगल टाइप करते थे, पर हमको मज़ा आता था डांस करने में, ना कि इन सब चीज़ों का शौक था कि मिरर होना चाहिए, वुडन फ्लोर होना चाहिए। अभी की जनरेशन के पास सब कुछ है, पर फिर भी वो डांस से थोड़ा सा दूर है। तो यही सब कुछ चलता रहा लाइफ में। फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैंने अचीव किया। अचीव करने के लिए मुझे मेरी वाइफ ने वो सपोर्ट किया उसमें। पहले मैंने जॉब भी करी, जॉब करते करते मैंने डांस भी किया। सो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि मैं सुबह 6 बजे से उठता था, तो वो ख़त्म होता था रात को 10-10:30 बजे पूरी मेहनत के साथ। उसके बाद दूसरी लाइफ कुछ नहीं थी, जॉब थी, फैमिली थी एंड डांस था, बस इसी में पूरा करियर निकला। विजय जी, अगर कोई भी किसी काम को स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि सफलता एक दिन में किसी को नहीं मिलती। जाहिर सी बात है कि आपने भी जब आपका DID स्टार्ट किया होगा तो आपको सफलता एक दिन में नहीं मिली होगी। तो इस बीच में क्या क्या अड़चनें आई, आपने उनको कैसे पार किया, इसके बारे में आप हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा पूछा कि परेशानियाँ क्या क्या आई।
मैं इसे परेशानी नहीं कहूँगा, इसे मैं मतलब इसको मैंने इंजॉय के रूप में लिया, परेशानी के रूप में नहीं लिया। अगर परेशानी के रूप में मैं लेता तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो लाइफ में स्पीड ब्रेकर गड्ढे तो बहुत होते हैं, और डांसर और आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता। दूसरा चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती पैसा, पैसा होना ज़रूरी है इसमें, तो वो भी नहीं था, ना साइकिल थी ना कुछ व्हीकल था। तो हम लोग वैसे ही हम ट्रेवल करके और जिस तैसे करके, समस्या ये रही कि हाँ पैसा मस्त था पर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा क्लास मस्त थी, क्लास होना ज़रूरी था, आप प्रैक्टिस कर पाओ, पर ऐसा कहने की बातें हैं, अगर आपका उसके छोटे सा घर भी है तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो परेशानी हर आर्टिस्ट के साथ है, तो उस परेशानी को हम परेशानी बोलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपने उस लाइफ को इन्जॉय किया, तो मैंने उस लाइफ को इन्जॉय किया 10-15 साल। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगी, क्योंकि जब आपके पास एक साल जाता है और आपके पास कुछ पॉजिटिव आता है तब आप दूसरे साल काम करते हो। तो समस्या के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी आने लगी, हम लोग शोज़ करने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा। तो डांस मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं करा था कि पैसे कमाने, मेरे को अच्छा लगता है, पैसा अपने आप आने लगा कि हाँ हमने परफॉर्म किया था, फिर पैसा मिला, फिर चार लोग हमें जानने लगे, हम लोग रोड से निकलने लगे तो पूछने लगे भाई आप अच्छा करते हो यार, बहुत अच्छा करते हो। कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे कि अरे कहाँ जा रहा है भाई, कमर मटकाने, लड़कियों टाइप कमेंट्स होते थे, सो वो भी फेस किए हम लोगों ने। और अच्छा अचीवमेंट तब आया जब पेपर में नाम मेरा आया, प्लस फ़ोटो आया, प्लस मैं ट्रॉफी जीता, मैं घर पे लेके गया तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। तो उन्हें काफ़ी पूरे मोहल्ले को यही दिखाया कि आज हमारा विजय है, देखो ये ट्रॉफी जीत के लाया है। भला इसे मैंने पढ़ाई भी नहीं जीती बट उसमें मैंने अचीव किया, तो वो एक खुशी का मोमेंट था। बट कुछ समय तक घर वाले भी मुझसे खुश नहीं थे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी 5 सिस्टर थी, तो एक समस्या वो भी थी कि यार 5 सिस्टर है, इनको कैसे अपन अरेंज करेंगे, ये सब कुछ रहेगा। मम्मी भी थी, तो घर का इकलौता इंसान मैं ही था, तो समस्या बढ़ती रही। तो फिर मैंने हारा नहीं उस चीज़ों से, फिर मैंने सोचा कि चलो करते रहो यार, कुछ ना कुछ आज नहीं कल कुछ होगा, अच्छा होगा। फिर जब अच्छा होना चालू हुआ तो घर वाले खुश हुए कि हाँ चलो, हमारा लगा गलत फील्ड में तो नहीं पर अच्छी फील्ड में है, तो कुछ अचीव कर रहा है। फिर कुछ सेलिब्रिटी के साथ मैंने परफॉर्म किया जिनको हम लोग देखने मूवी में देखते थे, मुझे वो भी अचीवमेंट मिले। फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा मिलना चालू किया, तो फिर मैंने उससे साइकिल खरीदी। मतलब ज़्यादा नहीं मिलता था हाँ, बट इतना हो जाता था कि आपका दिल खुश रहता है। जैसे आज की तारीख में आज किसी के डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो क्या बोलता, आप खुश रहो, तो हम वो खुशी थी हमारे लिए, तो वो बस डांस हमारे लिए खुशी थी, पैसा नहीं था बट हाँ खुशी बहुत मिली। और प्रॉब्लम्स मैं अभी भी बोलूँगा विनीत की, प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो एक अच्छा समय था जो हमने फील किया, पर कोई भी नहीं चाहता कि उस समय पर हमेशा रहे, तो हम भी उस समय तक रहे नहीं, और वो समय भी हमने अचीव किया। और उसी चीज़ों से हम लोग सीखे कि जो स्पीड ब्रेकर है तो उससे कैसा निकला जाए, और जो गड्ढे हैं उसको कैसे फील किया जाए, तो हमने वो चीज़ उससे सीखी। और इसीलिए आज हम लोग जो हमारे पास नए स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको फील कराते हैं कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की थी, और आज जैसे मेरा इंदौरी 3-3 स्टूडियो है, सब जगह वुडन फ्लोर, मिरर, अच्छा म्यूज़िक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको सब चीज़ें एक साथ मिल गई है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से अपनाते नहीं हैं। हम लोग कहीं दूसरी क्लास में देखते थे मुंबई या दिल्ली में, तो वो देखते यार मिरर है यार, तो हम उसके सामने नाचने लग जाते थे कि यार मिरर मिला है। पर आज के समय पर क्या सब कुछ वेल्ड है, तो लोगों को वो चीज़ इतनी अच्छे से नहीं कर पाते वो लोग, पर हमने उस चीज़ को महसूस किया है ना, तो हमें उसकी कदर है। तो बस वही चीज़ है, पर समस्या हमेशा होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के साथ, एक डांसर के साथ, तो ही वो अचीवमेंट कर सकते हैं। विजय, आपके YouTube पे लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी भी वो गिनती बढ़ ही रही है, प्लस 100 मिलियन व्यूज। गाइस, कैन यू बिलीव इट, 100 मिलियन व्यूज एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास चीज़ों की कोई फैसिलिटी नहीं थी, उन्होंने अपने आप सीखा, एक डांस इंस्टीट्यूट खड़ा किया, और आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी परफॉर्म किया हुआ है। करेक्ट। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका ये जो एक आज जिस मुकाम पे आप हैं उस पे आके आपको कैसा लग रहा है? देखो, सबको अच्छा लगता है कि सब उसको देखें, उसके व्यू आते हैं, जब वो रिफ्रेश करता है तो बोलता है अरे इतने हो गए, खुशी होती है एक अलग सी। पर ऐसा नहीं था, पहले ऐसा होता था कि हम वीडियो डालते थे और जो हमने देखा है ना, वो जब हम 24 घंटे बाद देखते थे तो उतने ही रहते थे। सो मतलब हम उसको बार बार ऐसे रिफ्रेश करते थे, अरे यार 4 ही है, 4 से बड़े नहीं।
तो ये 6 लाख का सफ़र, मतलब ये 6 लाख एकदम से हुए, तो हम भी बोले कि यार हमने ऐसा क्या किया, बट हमने एक चीज़ करी कि करते जाओ, लाइफ से ये सीखा कि करो, इंटरटेन करो, क्योंकि जो हमारी आर्टिस्ट की लाइफ होती है वो इंटरटेनिंग लाइफ होती है, क्योंकि आप जितना इंटरटेन पब्लिक को करोगे वो उसको उतना ही देखेगा, पर आप अगर सेम चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ वही है, रिपीटिशन है, तो व्यूज़ कहीं ना कहीं आपके दब जाते हैं। तो सभी से मेरा यही है कि अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो वीडियो डालो, ये मत सोचो, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट कभी तैयार नहीं होता, जितना वो डालेगा उसको कमेंट्स आएंगे, उसके बाद वो और तैयार होगा। राइट। और विजय, ये चीज़ और आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था कि विजय की ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, अभी जो ऑनलाइन क्लास है इसमें नॉट फ्रॉम द इंडिया बट फ्रॉम द एब्रॉड, वहाँ के भी आपके स्टूडेंट हैं। हाँ, ये सब पॉसिबिलिटी हो पाई यूट्यूब के कारण, क्योंकि जैसे हमने वीडियो डाले और फिर कुछ समय बाद वो वायरल होना चालू है, सो मिलियंस में व्यू आने लगे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अभी लास्ट व्यू हमारा सबसे हाईएस्ट है वो 50 मिलियन पे है व्यू। सो ये सारा इंडिया में नहीं, बाहर भी, विदेशों में भी वायरल हुआ, सब लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया। सो जब COVID-19 अभी आया, तो जैसे सारी सब क्लासेस बंद हो गई थी, तो हमारे पास भी कुछ नहीं था करने के लिए, तो देन हमने डिसाइड किया कि हम भी ऑनलाइन चालू करते हैं। सो मुझे लगा कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट मुझे अप्रोच करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ, मेरे यहाँ के स्टूडेंट ना आते हुए बाहर के लोगों ने मुझे अप्रोच किया, और अप्रोच उनने किया जिनसे हम लोग सीखना चाहते हैं, US कंट्री और इन्हें, तो वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा एडमिशन मिले, US कंट्री, हांगकॉन्ग, ऐसे मेरे को एडमिशन मिले, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, जहाँ मुझे सिखाने का एक सपना है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट स्टूडेंट मिले, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मतलब जैसे ही मैंने पोस्टर रिलीज़ किया तो मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, मैंने सोचा था कि ठीक है आप 5-10 आएंगे हम सिखा लेंगे, पर पहले ही बैच में 50-60 से ज़्यादा बच्चे, और वो सारे बच्चे नए, वो सारे बच्चे बाहर के, तो वो एक बहुत अच्छा फील था, और वो कमाया था हमने, वो भी यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि अगर आज हम क्लास में ही उस चीज़ को रखते तो ये सर्कुलेट नहीं होती। विजय, आने वाले जो डांसर्स हैं, वो डांसर्स जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, जिनके पास कोई अच्छे डांस इंस्टीट्यूट नहीं है, जो हो सकता है हमारा कोई ऐसा दर्शक हो जो गांव में कहीं बैठा हो, या फिर किसी ऐसी जगह हो जहां पर उसको डांस इंस्टीट्यूट या डांस के लिए कोई कोच नहीं मिल पा रहा हो, या फिर कोई शहर का भी ऐसा बच्चा जो सीखना तो चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? विनीत, ये सवाल भी आपने बहुत अच्छा पूछा कि लोग कैसे सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमारे समय, कुछ समय पहले हमारे पास सारी सुविधा नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, टिकटॉक वगैरह भी बैंड है, बट अभी के जनरेशन के पास सब कुछ है। जैसे हम लोग, हम अपने आप को कैसे प्रमोट करें, पहले हम लोग किसी हॉल में डांस कर रहे हैं, घर में डांस कर रहे हैं, तो कौन हमें देखेगा, ये किसी को नहीं पता था। आज मुंबई के किसी इंसान को पता नहीं कि ये इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा यहाँ बैठा है, तो हम हमारा प्रमोशन नहीं कर पाते थे, बट आज हमारे पास वो फैसिलिटी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा, आप अपने वीडियो बना के उस पर डाल सकते हो। सीखने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेज है, जैसे हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है जो ऑनलाइन हम लोग सिखाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, उसमें भी हम लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जिसको सीखना हो कहीं से भी सीख सकता है, और जिसको वीडियो बनाना हो कहीं से भी वीडियो बना के डाल सकता है। ऐसे बहुत से डांसर्स ऐसे होते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्ट करने आपको आएगा नहीं जब तक आप अच्छा करोगे नहीं। राइट। सो वही है कि, और अच्छा मोबाइल होना, अच्छे इक्विपमेंट होना, अगर आपके पास वो सब कुछ होता तो आप ये सब नहीं करते। सो अगर आपका सारा सा मोबाइल भी उससे शूट हो रहा है और आप उसको अपने यूट्यूब पर डाल रहे हो, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं है उस पर डालने के लिए, इंस्टाग्राम पर कोई फाउंडेशन नहीं है, अगर आप में टैलेंट है तो आप डालो ना, तो ऑब्वियसली बात है आप फेमस होगे, और जब आप फेमस होगे तो 10 लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने की चाह है अगर आप में, तो आप कैसे भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़े हैं, इंडियंस, फॉरेनर, जितने भी देखना चाहें आप उनसे सीख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो डांसर है जो रियलिटी शो में जाते हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होगा आज की लाइफ में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं कि हम वहाँ जाके सीख सकते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं आजकल के, सब लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इतने सारे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हैं, और अब तो अच्छा पैसा भी इसमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें करनी चाहिए किसी को। हर चीज़ हमें कुछ सिखाती है, वैसे ही कोविड ने हमें सिखाया है कि आप घर बैठे भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा सकते हो।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं सभी को ये बोलूँगा कि ये जो चीज़ हुई उससे हमें सीखने को मिला, और ये सीखने के साथ हम लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस है कंटिन्यू रखेंगे, और जो हमारे बाहर जो लोग हैं जो हमारे पास आके यहाँ सीख नहीं सकते हैं तो हम उन्हें ऑनलाइन सिखाएंगे। और ये चीज़ हमने एक फ़िक्स कर ली है कि अब हम सब लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखेंगे और जो क्लास में आके सीखते हैं वो भी हम रखेंगे। बिल्कुल भैया, हम चाहेंगे कि आपकी जो डांस क्लास है डांस इंदौर डांस, ये बिल्कुल और तरक्की करें, आप और भी लोगों तक अपने डांस को पहुँचा पाएँ, हमारे इंडिया से और भी अच्छे अच्छे डांसर्स निकलें। और दर्शकों, आप सभी के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं विजय जी के डांस इंदौर डांस सीखना चाहते हैं यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनके लिए हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, तो आप वहाँ से इनसे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल का भी हम लिंक इसमें मेंशन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका कीमती समय देने के लिए, और इतना एक मोटिवेशनल मैसेज हमारे दर्शकों को देने के लिए कि अभाव प्रतिभा को रोक नहीं सकता, अगर आपने चाहत से कुछ कर गुजरने की तो ये सब कहने की बातें हैं। और ये आपका दिन है, स्टार्ट करिए डांस करिए डांस इंदौर डांस। थैंक यू सो मच विनीत यति और वेबफ्लिक्स प्रो टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और गाइस कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट, लव यू।